नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस ने झड़पी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हुई झड़प। झड़प में यहां पर आपको बता दें कि झड़प में कई पुलिसकर्मियों की वर्दी फटी। सपा विधायक और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई। कई पुलिसकर्मियों की इस दौरान वर्दी भी फटी। सपा विधायक और कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने, लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। सपा कार्यालय के बाहर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कई पुलिसकर्मियों की इस बीच वर्दी भी फटी और सपा विधायक और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें लखनऊ की आप देख रहे हैं। उस दौरान की तस्वीरें हैं जब सपा कार्यालय के बाहर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कई पुलिसकर्मियों की इस दौरान वर्दी फटी। सपा विधायक और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, झड़प हुई। इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फटी। वहीं सपा विधायक और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिसकर्मी अपनी फटी हुई वर्दी दिखाते हुए। समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद ऊंचा हार विधायक मनोज कुमार पांडे ने पीसी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ और सरकार ने धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को डराने और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। वहीं गरीबों के मुद्दे को 19 तारीख को सदन में उठाएंगे, जिसके लिए सभी विधायक पैदल विधानसभा पहुंचेंगे। को लेकर काफी चहलकदमी रही पूरे शहर में और हमारे साथ इस समय खुद विधायक मनोज पांडे जी मौजूद। आज जो धरना को लेकर आप लोगों की एक बढ़ आगे बढ़ी, लोग बढ़े, इस तरह पुलिस की कार्रवाई रही, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है, दमनकारी नीति है। ये नीति केवल समाजवादी पार्टी या विपक्ष के विधायकों के लिए नहीं है, ये नीति है उन किसानों के लिए भी जिनको उनके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये दमन उन नौजवानों का है जिन्होंने सपने देखे थे उनके उनके परिवार के लोगों ने कि पढ़ लिख करके वो अपने परिवार सहारा बनेंगे, आज वो बेरोजगारी में घूम रहे हैं। ये दमन उन लोगों का है जो आज बढ़ती हुई महंगाई और खाद्य सामग्री में जिस तरीके से दिनचर्या की चीजों में जीएसटी की वृद्धि की गई है, आज उनके सामने जो एक आर्थिक संकट है, कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी चुनौती है। और हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे और 19 तारीख को उनके ही नेतृत्व में हम लोग विधानसभा सत्र में पद यात्रा करते हुए भाग लेंगे। मनोज जी, जो जिस तरीके से आज जो स्थिति रही है उस हिसाब से क्या लगता है कि 19 तारीख की जो स्थिति रहेगी उसको पूरी तरीके से आप लोग, हमने आज भी फेस किया है, उस दिन भी हम लोग फेस करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे का साफ तौर से ये बोलना है कि जिस तरीके से आज पुलिस द्वारा उनके साथ कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है और फिर से 19 तारीख को एक धरने को लेकर बात कही जा रही है और ये विधानसभा की तरफ फिर से कूच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से आज हर चीजों का पूरी तरीके से सामना किया गया उसी तरह 19 तारीख को भी सामना किया जाएगा। कैमरामैन अर्जुन के साथ आनंद सिंह, हर खबर लखनऊ। वही लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में बीजेपी के प्रदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक मोर्चे ने किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ ही मोहसिन रजा और दानिश आजाद ने भी शिरकत की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास और विकास है, मैंने उसकी चर्चा अपने सभी कार्यकर्ताओं के बीच में की है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने जो हम लोगों ने काम किए हैं उन कामों की चर्चा करके हमारा एक वैचारिक कार्यक्रम है, हमारे संगठन का कार्यक्रम, उसमें हम सब लोग आज
माननीय अध्यक्ष जी, सलील बिश्नोई जी, दानिश जी, मोहसिन रजा साहब, सब लोग उपस्थित हैं। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बाढ़ क्षेत्र का डीएम ने निरीक्षण किया है। चंदापुर किटौली बाढ़ क्षेत्र का लिया है जायजा। नदी में पानी का स्तर नीचे और बांध को खतरा नहीं। इंजीनियर लगातार कर रहे हैं बांध की जांच। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। गोंडा से बड़ी खबर। बाढ़ क्षेत्र का डीएम ने निरीक्षण किया है। चंदापुर किटौली बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया और कहा नदी में पानी का स्तर नीचे है, बांध को खतरा नहीं है। इंजीनियर लगातार कर रहे हैं बांध की जांच। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी गोंडा से आपके सामने। बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए तस्वीर आपके सामने। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इंजीनियर्स का कहना है कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है। डीएम ने निरीक्षण किया बाढ़ क्षेत्र का और अधिकारियों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लेते हुए तमाम चीजों को बारीकी से समझा। साथ ही उन्होंने बताया कि इंजीनियर्स लगातार बांध की जांच कर रहे हैं। साथ ही इंजीनियर्स का कहना है कि बांध को खतरा नहीं है। ये तस्वीरें उस दौरान की जब डीएम हुए। डीएम गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद की मड़ियाव थाना के इंद्रपुरी कॉलोनी में बनी कोठी को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। कुर्की की कार्रवाई को प्रयागराज पुलिस और लखनऊ पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। इंद्रपुरी कॉलोनी में कुर्क की गई कोठी की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की 3 प्रॉपर्टी को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 2 प्रयागराज और 1 लखनऊ में है। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत की कुर्की की गई एक्शन में है योगी सरकार। लगातार इस तरह की कार्रवाई देखी जा रही है। अतीक अहमद की कोठी को कुर्क किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। और उस दौरान की तस्वीरें जब अतीक अहमद की कोठी की कुर्की की जा रही थी। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कुर्की की गई। अवैध खनन रोकने के लिए सीसीटीवी का सहारा। पुलिस ने राजस्थान बॉर्डर पर लगवाए सीसीटीवी और एसएसपी के आदेश के बाद लगे हाई क्वालिटी कैमरे। बड़ी खबर आपके सामने आगरा से है। पुलिस ने राजस्थान बॉर्डर पर सीसीटीवी लगवाए। एसएसपी के आदेश के बाद लगे हाई क्वालिटी कैमरे। थाने में बनाया गया कैमरे कंट्रोल सिस्टम। एसएसपी के आदेश के बाद ये हाई क्वालिटी कैमरे लगे। बड़ी खबर आपके सामने। अवैध खनन रोकने के लिए सीसीटीवी का सहारा लिया गया। आगरा से बड़ी खबर। पुलिस ने राजस्थान बॉर्डर पर ये सीसीटीवी लगवाए। एसएसपी के आदेश के बाद हाई क्वालिटी कैमरे लगवाए गए। थाने में बनाया गया कैमरा का कंट्रोल रूम। बड़ी खबर आपके सामने। अवैध खनन रोकने के लिए सीसीटीवी का सहारा लिया गया। आगरा से बड़ी खबर। पुलिस ने राजस्थान बॉर्डर पर सीसीटीवी लगवाए। एसएसपी के आदेश के बाद लगे हाई क्वालिटी कैमरे। ये कैमरे इसलिए लगवाए गए हैं ताकि यहां पर अवैध खनन रोका जा सके और साथ ही साथ गाड़ियों के नंबर इस कैमरे में कैच हो सके और जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए जो कि अवैध
खत्म करते हैं। एसएसपी के आदेश के बाद यहां पर हाई क्वालिटी कैमरे लगाए गए, तस्वीर आप देख रहे हैं, राजस्थान बॉर्डर पर ये लगवाए गए हैं सीसीटीवी। सुल्तानपुर में 7 महीने का मासूम दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि ये बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी नाम की गंभीर बीमारी है और जिसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत है। इस इंजेक्शन से पीड़ित मासूम की जान बचाई जा सकती है, जहां बच्चे को बचाने के लिए परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। हालांकि गौरीगंज अमेठी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि क्षत्रिय परिवार फाउंडेशन ने 21 लाख रुपए का चेक मासूम के परिवार को सौंपा है। वहीं अन्मय को डॉक्टर प्रवीण सुमन ने इलाज के लिए सर गंगाराम अस्पताल में रेफर किया है। ये अन्मय नाम का बच्चा है जिसकी बीमारी के विषय में भाई धर्मेंद्र जी ने बताया, और पिछले रविवार को, ये रविवार जो गया इसके पहले वाले रविवार को मैं इसके घर गया था और इससे मिला, और मिलने के बाद लगा कि अगर समाज एक मत होकर एक फोर से इस बच्चे की मदद कर दे तो इस बच्चे का इलाज हो सकता है। लगभग 21 करोड़ का इंजेक्शन है, भारत सरकार ने टैक्स माफ किया है, 16 करोड़ में मिला जो अमेरिका से आएगा। प्रदेश सरकार चाहे स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लाख दावे करे, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएमओ ऑफिस के सामने दो गरीब मरीज करीब पिछले 2 सालों से इलाज का इंतजार कर रहे हैं। दोनों मरीज मानसिक रोगी हैं, लेकिन इन पर अस्पताल के कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता का शिकार ये दोनों मरीज अपने इलाज के लिए तरस रहे हैं। आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करता नजर आएगा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उस जगह पर जहां पर सारे के सारे अस्पताल कंट्रोल होते हैं, यानी सीएमओ ऑफिस। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सीएमओ ऑफिस है, जहां पर पूरे जो भी अस्पताल के विभाग हैं वो इनके अंडर में आते हैं, सीएमओ साहब के अंडर में आते हैं, और सीएमओ साहब पूरी तरह से संज्ञान लेते हैं कि किसी भी प्रकार से अस्पताल में कोई समस्या ना आए। अस्पताल दूर की चीज है, अगर हम बात करें तो सीएमओ साहब के दरवाजे पर ही आप देख सकते हैं एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको मैं कैमरामैन से कहूंगा इसके सर की चोट दिखाएं कि किस तरीके की कितनी गंभीर चोट इसके सर पर है, और इसके पैरों को भी हम दिखाने के लिए कैमरामैन से कहेंगे कि पैर को दिखाएं कि उसके पैर की क्या स्थिति है। क्या सीएमओ साहब के जो स्टाफ हैं उनको क्या ये जो व्यक्ति है जो एक लंबे समय पर लोग बताते हैं कि यहाँ पर आसपास सीएमओ दफ्तर के बाहर ही पड़ा रहता है, जो मिलता है वो खाता है, जो मिलता है वो पीता है, नहीं मिलता है नहीं कुछ होता है, तो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, कहाँ का है, कौन है, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस तरह के लखनऊ शहर में तमाम केस देखने को मिल जाएंगे आपको, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहने को आया अधिकारी ये बोलते हैं कि हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर हम दूरी की बात करें तो हम कैमरामैन से साथ में चलने के लिए एक बार कहेंगे और कैमरामैन से जरूर कहेंगे कि आपको हम दूरी दिखाने का प्रयास करेंगे कि दूरी कितनी है, क्योंकि ये अभी तो रोड पार बैठा हुआ है, रोड पार की स्थिति है। अगर मैं थोड़ा सा करीब में आ जाऊं तो करीब में आप देख सकते हैं ये है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का, ठीक है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ये सामने, आप डिस्टेंस देख सकते हैं कि कितनी दूरी है उस आदमी की जिसकी कंडीशन इतनी बुरी है, जिसको वाकई में एक इलाज और उपचार की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ रहे कर्मचारी और या फिर सीएम साहब की बात करें तो किसी तरह से संज्ञान नहीं लिया जाता है ऐसे लोगों का जिनको वाकई में मदद की जरूरत है। मुखिया का साफ तौर पर यह बोलना है कि
किसी भी प्रकार से कोई भी गरीब आदमी को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ में जो डिप्टी सीएम है उनको मेडिकल का पूरा कारोबार संभालने को मिला है। ये है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का ऑफिस, सीएमओ साहब यहीं पर बैठते हैं। अब आप यहाँ की दूरी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह चार कदमों में दूरी आगे बढ़कर ऑफिस को दिखाया कि कितनी दूरी ऑफिस की है। उसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि जो ये व्यक्ति बैठा हुआ है इस व्यक्ति की कितनी गंभीर चोटें हैं और उस पर किसी तरीके से भी यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उनको किसी भी तरीके का कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि किसी तरह से उस गरीब आदमी की मदद की जा सके जिसकी कितनी गंभीर चोटों से आप जिस तरह दिखाया कि कितनी गंभीर चोटें, उसी तरह हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक व्यक्ति वो उधर गाड़ी के पीछे बैठा हुआ है जो यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये व्यक्ति लगभग कोविड काल से यहाँ पर पड़ा हुआ है, लगभग दो साल हो गए हैं। आप कैमरामैन से कहेंगे उधर दिखाने के लिए, दो साल ढाई साल हो गए हैं, ये खुद इस समय इस ऑफिस के बाहर लगभग दो साल से रह रहा है। ना सीएमओ साहब को इसकी जानकारी है, ना यहाँ पे रहने वाले जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को जानकारी है और किसी तरह से अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है कि सीएमओ साहब को थोड़ा सा समय मिले इनके लिए जिससे ये किसी तरीके से इन गरीबों को लाचारों की मदद कर सकें। मुखिया जो प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका बार बार इन्हीं चीजों को लेकर आवाज उठती है कि किसी भी प्रकार से किसी गरीब किसी लाचार आदमी को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बावजूद जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो स्थिति पैदा हो रही है कि सीएमओ अस्पताल के बाहर ये स्थिति देखने को मिल रही है, तो फिर आगे के लिए अगर आप लखनऊ शहर इतना बड़ा है वहाँ के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि और जगहों का क्या हाल होगा जब सीएमओ ऑफिस के बाहर की ये स्थिति बनी हुई है। आप जिस तरह मैं कहूंगा फिर से एक बार कैमरामैन को पास ले जाकर और कहेंगे कि ये जो आदमी है जिस तरीके से यहाँ बैठा हुआ है इसकी चोट फिर से मैं दिखाने के लिए कहूंगा कि इसको कितनी सख्त इलाज की आवश्यकता है, किस तरीके से इसका पूरा स्थिति है कि यहाँ से अगर इसको उपचार मिल जाए तो किसी तरीके से ये व्यक्ति शायद सही हो जाए। लेकिन उसके बावजूद किसी भी अधिकारी को इस चीज से लेना देना नहीं है। कोई बड़ा आदमी होता, अमीर आदमी होता तो कहीं ना कहीं सीएमओ साहब स्वयं पहुंचते उसका हालचाल लेने के लिए, लेकिन एक गरीब का हाल कौन देखे। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर लखनऊ। आगरा में दुकानों में नकली टाटा सॉल्ट नमक खुलेआम बेचा जा रहा है, जिसको लेकर टाटा सॉल्ट कंपनी की टीम ने पुलिस के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 बोरी नमक की बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक और योगी सरकार दबंगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, इसके बावजूद भी प्रदेश में दबंगों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला गोंडा जिले के करनैलगंज का है, जहां कुछ दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में पेट्रोल पंप के प्रबंधक से मारपीट की। वहीं ये सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने बताया कि रविवार की रात लगभग 11 बजे कुछ लोग गाड़ी से आए और गाड़ी में तेल डालने का दबाव बनाने लगे, लेकिन देर रात होने की वजह से उसने पहले भुगतान करने को कहा, क्योंकि पेट्रोल पंप मालिक की ओर से निर्देश दिए हुए हैं कि रात के समय पहले कस्टमर से भुगतान करवाया जाए और उसके बाद ही पेट्रोल दिया जाए। इतना सुनते ही पेट्रोल डलवाने आए व्यक्ति भड़क गए और पीड़ित को मारने पीटने लगे। पीड़ित किसी तरह भागकर बैटरी रूम में छुप गया, लेकिन दबंगों ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। पीड़ित ने आगे बताया कि दबंगों ने पेट्रोल पंप को आग लगाने की भी धमकी दी और कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम लोगों से पैसे मांगो। फिलहाल पुलिस ने पेट्रोल पंप दबंगई करने वाले 6 लोगों के खिलाफ, पेट्रोल पंप पर जिन लोगों ने दबंग गई की उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीणों की समस्याएं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत सचिवालय बनाए हैं, जहां लोगों की समस्याओं के निदान के लिए ग्राम सचिव और एक पंचायत सहायक को तैनात किया गया है। हर खबर की टीम ने कन्नौज के जलालाबाद ब्लॉक के फतेहपुर जसौदा और जलालाबाद में बने ग्राम पंचायत सचिवालय का निरीक्षण किया, लेकिन यहां पंचायत सचिव और पंचायत सहायक नदारद मिले और
फतेहपुर जसोदा में पंचायत सचिव के कार्यालय में ताला लगा दिया गया। हालांकि जलालाबाद में कार्यालय तो खुला था, लेकिन सचिवालय के सबसे बड़े अधिकारी सचिव और साहब गायब थे। इस मामले में कन्नौज डीएम गजेंद्र सिंह का कहना है कि लापरवाह और गैर हाजिर रहने वाले सचिवों और पंचायत सहायकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जनपद कन्नौज में कुल 499 ग्राम पंचायत और 478 में जो परमानेंट ग्राम पंचायत सचिवालय की बिल्डिंग तैयार है, जहां पर कार्य चल रहा है। 21 जगह पे अभी स्थायी रूप से चल रहा है। इसमें 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पंचायत सहायक है, वो वहां के स्थानीय जो भी शिकायतें उनको सुनने के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो जनसेवा केंद्र के द्वारा फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है, उसी को और सुलभ बनाए जाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार के आदेश पर पूरे प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। वहीं कन्नौज में बीएसए, एसडीएम और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की अगुवाई में टीमें गठित की गई, जिन्होंने कई मदरसों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने मदरसों के कमरे, रीडिंग हॉल और मदरसा छात्रों के रुकने के लिए बने हॉस्टल को देखा, साथ ही साफ सफाई और किचन की भी पड़ताल की। वहीं सरकार के इस सर्वे से मदरसा संचालक संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि इस सर्वे में वो सरकार का पूरा समर्थन करते हैं और जो भी कमी सर्वे के दौरान पाई जाएगी उसे दूर किया जाएगा। इस दौरान जानकारी देते हुए एडीएम ने बताया कि 5 अक्टूबर तक चलने वाले सर्वे की रिपोर्ट सत्यापन के बाद प्रशासन को भेजी जाएगी। शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जनपद में जिस सरकार द्वारा ये आदेश दिया गया है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको चेक किया जा रहा है, इससे कोई दिक्कत आपको परेशानी आती है? जैसे आप क्या निरीक्षण करने आए, आपको कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं है, जो चीज का है जो चेक करें उसके सहयोग कर रहे हैं आप, कोई परेशानी नहीं? कि हमारे यहाँ आज सर्वे होना था वो हुआ, सर आए, उन्होंने जिस तरह से हमसे डिटेल चाहिए हमने उनका सहयोग किया, पूरी तरह से उनको बताया और दिखाया। कितने कमरे हैं मदरसे में? हमारे यहाँ कमरे 53 हैं। हाल अभी हैं जी, दो हाल हैं। शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जनपद में जितने भी मदरसे हैं उनकी एक संयुक्त टीम बनाकर जांच की जाए। इसके लिए जो जिले के बीएसए हैं और जो संबंधित जिलाधिकारी हैं और जो माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर हैं उनकी एक संयुक्त टीम बनाई गई है। इसके अभियान के तौर पर सभी की जाँच की जा रही है, ताकि उसमें उनका जो पाठ्यक्रम है वहाँ पर जितने अध्यापक हैं, जितने विद्यार्थी हैं, किस भूमि पर संचालित है, उसकी क्या स्थिति है, उसके पंजीकरण की क्या स्थिति है, इसी तरह के जो बृहद बिंदु बनाए गए हैं उन पर जांच की जा रही है। 5 अक्टूबर तक वो टीम जांच करके अपर जिलाधिकारी को सौंपेगी, यानी मुझे सौंपेगी। कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने शहर की साफ सफाई को लेकर देर रात कासगंज नगर पालिका के कई चौक चौराहों का जायजा लिया। इस दौरान डीएम साफ सफाई देखकर संतुष्ट दिखी और उन्होंने प्रकाश व्यवस्था और फॉगिंग करने के लिए पालिका कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि ये रूटीन निरीक्षण है। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था ठीक पाई गई। शहर में फॉगिंग लगातार की जा रही है। वहीं निरीक्षण के दौरान उनके साथ एडीएम, नगर पालिका के अधिकारी और पालिका चेयरमैन मौजूद रहे। आज जो हमारे जनपद के नगरीय क्षेत्र हैं उनमें जो नाइट स्वीपिंग या जो शाम में जो क्लीनिंग की कार्रवाई होती है उसके संबंध में मेरे द्वारा एक रूटीन इंस्पेक्शन किया गया है। अन्य भी जो हमारे नगर पालिका के क्षेत्र हैं, नगर पंचायत हैं, उन क्षेत्रों में भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो शाम को सफाई का कार्य होता है वो अच्छी तरह से किया जाए, जिससे जो हमारा नगरीय क्षेत्र है साफ सुथरा नजर आए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस अपराधियों का पर काल बनकर टूट रही है। इसी कड़ी में कासगंज जिले की गंज डुंडवारा थाना पुलिस की बीती रात गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 तस्करों को गोली लग गई और वहीं 3रा तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल घायल दोनों तस्करों को कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हासिम नाम के तस्कर की हालत गंभीर होने के चलते अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहीं पुलिस ने मौके से गौमांस, 2 तमंचे, 2 खाकी खोखा, 2 खाली खोखा और जिंदा कारतूस, कुल्हाड़ी, चाकू, रस्सी, तराजू के अलावा अन्य उपकरण बरामद किए। सूचना मिली कि गड़का ग्राम में कुछ बदमाश गोकसी घटना कार्य कर रहे हैं। इस सूचना पर
वहां जाकर प्रभारी निरीक्षक की टीम द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। दौरान उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी वहां मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में दो अभियुक्त हाशिम और इरफान का नाम बताया जा रहा है वो गिरफ्तार हुए हैं और उनको पैर में उनको गोली लगी हुई है, उनको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा है। धर्मराज संघ की एक धर्म गोष्ठी वृंदावन के अखंड दया धाम आश्रम में की गई। गोष्ठी में महाराष्ट्र के सांगली में साधुओं की बेरहमी से पिटाई करने के विरोध में सभी संतों ने घोर आक्रोश व्यक्त किया। धर्म गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी भास्कर आनंद महाराज ने कहा कि बीजापुर से पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर दर्शन करने के लिए जा रहे संतों को जबरदस्ती रोक कर बेहद बेरहमी से पीटा गया। इस घटना को लेकर संत समाज में भयंकर रोष है। वहीं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज महाराष्ट्र के सांगली में हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी गर्भगिरी जी महाराज और उनके साथ तीन साथी जो तीर्थ यात्रा करने पंढरपुर गए जा रहे थे और जिस प्रकार से वहां के लोगों ने उनको रोककर उनकी बेरहमी से पिटाई की, ये दूसरा एक पालघर वाला कांड था। वो तो पुलिस समय से आ गई तो उनकी जान बच गई, मगर उनको लोगों ने इतना पीटा कि मरणासन्न स्थिति में आज पुलिस ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया हुआ है और आज उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो सही सही बयान भी दे सकते। आज महाराष्ट्र में जो घटना हुई है संतों के साथ वो बहुत निंदनीयकारी हुआ है। संतों को आज भय व्याप्त है क्योंकि जंगलों में बाहर दूर दराज यहाँ मंदिर दिखते हैं जहाँ संतों की रहने की जगह है वहाँ पर संतों को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जब से ये घटना है पहले ही हुई थी महाराष्ट्र में उसका भी कोई निर्णय नहीं निकला और अब की जो घटना हुई है तो ये घटना बहुत ही निर्णय हुआ। प्रशासन अगर ना बीच में आता तो शायद उनकी जान माल को भी खतरा हो सकता। मुरादाबाद के कटघर इलाके में एक महिला पर उसके ससुर ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के नाक और कंधे पर गंभीर चोट लगी। घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बेड पर लेटी घायल महिला ने बताया उसके पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है। तीन साल पहले उसके देवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया था जिस मामले में मुकदमा दर्ज है। काफी समय से ससुर और देवर उसके ऊपर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे और उसे जान से मारने की लिए दोनों ने उस पर जानलेवा हमला किया था। पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया जिसके आधार पर पुलिस ने ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। भागीरथ सरन ने आज दिन में करीब 11:15 बजे उन पर चाकू से जान से मारने की नीयत से हमला किया है। जब ये हमारे पास आई है उसके बाद हमने इनका मेडिकल के लिए इन्हें भेजा था। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट में जो भी इंजरीज आई हैं उसके आधार पर और प्राथमिकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। चलिए खबर नोएडा से है जहां सेक्टर 93 में बने स्कूल को नोएडा प्राधिकरण ने कब्जा मुक्त करा दिया। इसके पहले भी नोएडा प्राधिकरण ने कब्जे को लेकर कार्रवाई की थी तो दूसरी ओर स्कूल मालिक ने नोएडा प्राधिकरण की टीम की इस कार्रवाई का विरोध दर्ज किया। मैं यहाँ पे एक स्कूल लिया था, मुझे 25 एकड़ मिल रहा था। मैंने प्राधिकरण ने कहा मुझसे कि मैम वी वांट पीपल लाइक यू इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मैंने कहा 1 रुपए में जैसे आपने डीपीएस नोएडा को दिया, एमएटी को दिया, मुझे भी दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगी। पर वो कर नहीं सके तो मेरे पे ये 78 लाख का लैंड था
जिसमें 20 लाख बच्चे हैं, जिसके इन्होंने 10-12 करोड़ बना दिए हैं। चक्रव्यूह ब्याज सालों से इनको चिट्ठी लिख रही हूँ मैं, वो प्लीज सिंपल इंटरेस्ट लगा दीजिए या माफ कर दीजिए मेरा कि मैं यहाँ पे कोई कमाई नहीं है, आप मेरे सारे अकाउंट्स देख लीजिए। और मैं 12 बजे से मुफ्त बच्चे पढ़ाती हूँ, सिलाई केंद्र चलाती हूँ, कंप्यूटर एजुकेशन होती है, स्पोकन इंग्लिश होती है, हजारों लड़कियां और लड़के अपने पैरों पे आज खड़े होकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। चलिए अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर अवैध लिंग जांच क्लिनिक पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के गुलावटी में घर में चल रहे अवैध भ्रूण लिंग जांच केंद्र पर हरियाणा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। हरियाणा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर छापेमारी की कार्रवाई की। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, जिसे पूछताछ जारी है। वहीं छापे की भनक लगते ही मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन और उपकरण कर गायब कर दिए गए थे, और जिसके चलते पूछताछ करने और साक्ष्य जुटाने के बाद छापेमारी करने वाली टीम अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद करने में जुट गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।